आप जोर से हाथ मारोगे यूं करके तो क्या होगा? हाँ यूं करके तो क्या होगा? पैन आर पार होगा हाथ के। हाँ जी, आर यू रेडी? 1 2। तो देखती आंखों सुनते गानों को शाहरुख का सलाम पहुंचे। और आज का दिन बड़ा खास है क्योंकि हम जा रहे हैं अवार्ड सेरेमनी में। और कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको बहुत जल्दी बता दूंगा क्योंकि साथ ही जाएंगे आप लोग मेरे। और अभी हम वेट कर रहे हैं आकिब का, आकिब अभी तक आए नहीं है और पता नहीं कहाँ रहेगा आकिब। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, मैं तैयार हो चुका हूँ, बस कोट डालना आपके भाई ने और लेट द गेम बिगिन। अच्छा जी, आकिब आ चुके हैं हमारे साथ। और आकिब भाई इस वक्त कुछ माउस के साथ अपने करने के चक्कर में लगे हैं। आकिब भाई माउस के साथ क्या कर रहे हैं? माउस की सर्विस हो रही है पैन से। पैन से कैसे सर्विस हो सकती है? अच्छा आके भाई बोल रहे हैं शाहरुख भाई पैन से सर्विस होती है, आपको नहीं पता, मैं बाद में बताऊंगा कैमरा बंद होने के बाद बताएंगे। कैमरा बंद होने के बाद आके इज द मोस्ट हार्ड वर्क करते हैं और इनका अपना एक चैनल है एक्सपेडिशन पाकिस्तान, यकीन मैंने आपको बताया हुआ। नहीं पता तो आप दोबारा से जाके उसको ज़रूर देखिएगा। और सिर्फ कुछ ही 1000 सब्सक्राइबर रह गए इनके, मेरे ख्याल से 1200 सब्सक्राइबर रह गए और इंशाल्लाह ताला इनका सिल्वर प्ले बटन आएगा तो उसकी हम अनबॉक्सिंग भी साथ ही करेंगे, तो ज़रूर देखिएगा, मज़ा आएगा। तो इनके इस सफ़र में, इसको कामयाब करने में आप लोग साथ दें, एक्सपेडिशन पाकिस्तान, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अभी हम बाहर जा रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं ज़हीर भाई। ये ज़हीर भाई, ज़हीर भाई हाथ ला दें कैमरे को क्योंकि और बहुत जल्द ज़हीर भाई के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा ज़रा सा लंबा, क्योंकि इनकी हाइट भी ज़्यादा है ना तो इंट्रोडक्शन भी लंबा होना चाहिए। हाइट भी ज़्यादा है। अच्छा जी, उस वक्त हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और ज़हीर भाई के साथ जा रहे हैं। ज़हीर भाई इस वक्त नक्शा लगा रहे हैं किसी चीज़ का, बल्कि गाने लगा रहे हैं। और ये हमारे साथ थे जावेद जुनेद खान। जानबूझ के कर रही है? जी जानबूझ के कर रहा हूँ। जुनेद शाह बेटा, मैं मुझे पता है, असल में जुनेद खान की मेरी मुझे याद आ रही है, मेरा फिक्री दोस्त। और गाना चल चुका है, नाज़रीन तो इन्जॉय करें हमारे सफ़र को हमारे साथ। और ज़हीर भाई फुल इस वक्त ड्राइविंग मोड में, ठीक है, हम लोग ने सीट बेल्ट बांध ली क्योंकि ज़हीर भाई कभी भी टेक ऑफ कर सकते हैं अपनी गाड़ी को। कैप भी पहन के आए वाली, कौन सी पायलट वाली कैप भी पहन? हाँ वो मिली नहीं, वो दूसरा ड्राइवर ले गया था, उसने बोला मुझे अपना प्लेन चला ले। ज़हीर भाई स्टोर वाले की छुट्टी थी ना, आज स्टोर वाले श्वेत से कराई। अच्छा हाँ, ज़हीर भाई एक सवाल है, हम लोग जा क्यों रहे हैं? हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग क्लैपिंग करने जा रहे हैं। अच्छा क्यों क्लैप करेंगे? और अगर क्या पता चांस पे हमें अवार्ड मिल जाए, अवार्ड भी ले लेंगे इंशाल्लाह। जुनेद भाई आप क्या कहते हैं, हम लोग क्यों जा रहे हैं? सच बोलो या झूठ बोलो? सच बोले, सच सच। देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए बोल रहा हूँ। हम तो जा रहे हैं इवेंट अटेंड करने के लिए। ओके, हम नॉमिनेट हुए हैं माशाल्लाह, तो आई होप कि हमें अवार्ड मिले। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलेगा तो अच्छी बात है। इंशाल्लाह मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा यार, हम लोग जा रहे हैं तो मिलेगा तो जरूर और बिल्कुल मिलेगा। फिर भी थोड़ी जोर से हो जाए। आप पीछे से यूं करो। रिपोर्ट कितना काम करता है भाई, बोले रिपोर्ट कितना काम करता है। और अभी हम पहुंच चुके हैं इस वक्त कराची मैरियट होटल के अंदर और आप देख सकते हैं कि सीन्स कुछ ऐसे हैं। मेरे शक्ल पे कौन सा सीन है? ये सीन सब है। और चे बना रहे सब? मैं कुछ भी नहीं बना रहा, मैं जिम चे है चे कुछ भी नहीं बना रहा। और ये हैं जुनेद खान और जुनेद शाह, और वो जो हमारे सामने खड़े हैं वो वन ऑफ द बिगेस्ट पर्सन ज़हीर भाई। और ज़हीर भाई इस वक्त हमारे साथ और हम जा रहे हैं परसेंट। ज़हीर भाई हमेशा आप कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। और भाई अभी इस वक्त हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की साइड पे जा रहे हैं, तो अपना कराची अवार्ड हो रहा है तो उस तरफ हम जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कहाँ पे, फर्स्ट फ्लोर पे तो बताएं। और हम रास्ता थोड़ा सा भटक चुके हैं, फिर भी हमें किसी ने गाइड करा कि आप सीधा जाएंगे और सीधा जाके जब सीधा पे जाएंगे तो वहाँ पे मार्की ये नाम है, बड़ा मार्किया नाम का है, दम्पुक भी पकता है इधर देर में बोलने। खैर मार्किया पे हम जाएंगे, वहाँ पे हमारा अपना कराची अवार्ड हो रहा है। ऐसे ही ना भाई? ऐसा नहीं फिर भी चल रहे, तू ही चले चल रही।
यूं ही चला चल, ये की बात तू ही चला चल या यूं ही चला चल? कहा अरे देर पे इसी को लेकर निकलना कहीं ना कहीं तो जाएंगे सीधा ये ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये रहा ये रहा मर्की वक्त से पहले आते हैं हम लोग और आज भी हम लोग वक्त से पहले ही हैं। और ये देखें हम तीन लोग तो बैठे हुए हैं यहाँ पे और एक आध लोग और आए हुए हैं क्योंकि वक्त से पहले हमेशा टाइम पे आने वाले लोग हैं। तो देखें अभी लोग आस्ते आस्ते आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला और फिर महफिल में अचानक ही रंग जमेगा। देखते रहिए और तैयार रहिए और होशियार रहिए। अच्छा जी हमारी कंपनी अवार्ड जीत चुकी है माशाल्लाह से और इस वक्त मुझे मिला है यहाँ पे कोई आए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ और आपको देख के बहुत खुशी होगी कि वो कौन है और उनको भी वो अवार्ड मिला है। ठीक है तो आइए उनसे मिलाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम रबी का क्या हाल है? कैसा लगा आपको अवार्ड मिल के? बहुत अच्छा। ये सब बताओ मेरे मामा पापा की वजह से और मेरे फैंस की वजह से। बहुत खुशी आप मजा आ रहे हैं और माशाल्लाह आपको देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। काशी भाई कैसे तबीयत आपकी? अल्लाह का शुक्र। और काशी भाई को आज देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे और मैं उनके साथ खड़ा हूँ। साथ में सलीम भाई भी आए थे। जी हाँ जी हाँ जी। शकील भाई भी थे। कैसा रहा आज का अवार्ड शो? बहुत अच्छा रहा, मुझे अच्छा लगता है। कोई बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड है तो क्या बात है। जो जिन्होंने अवार्ड लिया यकीनन अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे लिया, तो मेहनत करें और लोग भी आगे आए। और टैलेंटेड लोगों की तो वैसे ही कमी है और काल भी है लेकिन ज़्यादा भी है, बस उनको सही जगह जाने की। थैंक यू सो मच सर। अच्छा जी हमारे साथ हैं इस वक्त शकील सिद्दीकी, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, और उनसे एक सवाल करूँगा मैं और वो उसका जवाब देंगे। सर मेरा सवाल ये है आपसे कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट और वो आगे आ नहीं पा रहा, तो उसके लिए आप क्या राय देंगे? बात यह है कि आजकल क्वालिटी में जोर कम है, क्वांटिटी में ज़्यादा है। ठीक है सर। काम कर रहे हैं लड़के और नज़र इसलिए नहीं आ रहे कि अच्छा ड्रामा मिल जाएगा तो नज़र आ जाएंगे। टैलेंट तो बहुत आ रहा है लेकिन उसको तराशा नहीं जा रहा है। टैलेंट बहुत तराशने वाला भी होना तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारे टैलेंट मिल जाएंगे। और टैलेंट आने की वजह ये भी है, शायद ग्रुप वाजिया भी है कुछ सुनते हैं, सुनने में आता है। मैं तो खैर किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ, मैं अपनी ज़ात में खुद एक ग्रुप हूँ अकेला। जो बात है हाँ, जिससे जिसके साथ मुझे काम जो काम क्या कहते हैं उसके साथ अच्छा लगता है कर लेता हूँ। टैलेंट बहुत है, तराशना पड़ेगा उनको। हीरे बहुत है लेकिन तराशने वाला भी होना चाहिए। थैंक यू सो मच। सर जैसे आतिफ असलम हो गए, राहत फतह अली हो गए, इस साल इंडिया गए तो उनको वर्ल्ड फेमस हो गया माशाल्लाह। आज दुनिया में सब जगह आपका नाम है, आतिफ असलम का नाम है, राहत फतह अली का नाम है, शफकत अहमद अली का नाम है। तो क्या फेमस होने के लिए क्या इंडिया जाना ज़रूरी है? पाकिस्तान में रहते हुए इवन के अदनान समी को देखे वो इंडिया के होके रह गए। ये आपका सवाल जो है वो उसका जवाब ये है कि मुझे पाकिस्तानी ड्रामा देख के बुलाया गया इंडिया में, बकरा किस्मों में देख के बुलाया ना मुझे। हम तो इंडिया पहले नहीं गए थे, हमारी कैसेटें पहले चली गई थी। ठीक है ना। बात ये है कि इंडिया मार्केट बहुत बड़ी है, इंटरनेशनल लेवल पे है उनकी मार्केट, ओवरसीज बहुत उनके चैनल देखे जाते हैं। बात यह है कि यह हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने चैनल को पूरी दुनिया में फैलाएं। दुनिया में फैलाएंगे तो आज की लड़ाई मीडिया से ही है, मीडिया की लड़ाई है। तो बात यह है कि वो एक बड़ी मार्केट है, पैसे अच्छे देते हैं, काम अच्छा लेते हैं, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा वो आतिफ असलम पहले भी हिट थे, पाकिस्तान में भी रहा, पाकिस्तान में भी मशहूर थे पहले से सारे, जिसके जितने भी आप नाम दे रहे हैं ये सब मशहूर हैं। मशहूर ना होते तो इनको बुलाया भी नहीं जाता। किसी शकूर को कपूर को क्यों नहीं बुलाया? सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अच्छा जी बाहर आ चुके हैं और अवार्ड शो खत्म हो चुका है और हम अवार्ड जीत चुके हैं एक दफ़ा फिर।
तो जनाब अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। जी हाँ, हमें खाना है। अच्छा, मेरे टोटल से फारिग हो चुके हैं और हम खाना खाने आए हैं। थोड़ा सा देर आ चुके हैं और देर पर इस वक्त सोते हुए जहीर भाई की निकल गए। अच्छा, होटल में तो हम खाना खा चुके थे और बट यहाँ पे ये लोग सब मेरे कहने की वजह से आए। मंगवाए हमने सब तीन रोल थे बट तीन फिर एक्स्ट्रा मंगवाए क्योंकि इनको इतना अच्छा लगा, तीन बीफ और तीन चिकन। तो कैसा लगा आपको? बहुत आला। आप देर में क्या? बेहतरीन, जबरदस्त। सिटी कोर्ट के रोल जो है वो वाकई है मज़ेदार। अच्छा, इसमें से मैं दो चिकन खा गया बाय मिस्टेक, मुझे पता नहीं था, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट सब अच्छे थे। आप भी आएगा बुलंद रोल पॉइंट सिटी कोर्ट के पीछे। तो आज का ब्लॉग यहाँ पे खत्म होता है और आ चुके हैं हम अपने ऑफिस और बहुत जल्द हमारे अवार्ड भी आ जाएगा। तो ज़हीर भाई कैसा रहा आपका दिन? बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन, मज़ा आया माशाल्लाह से। अवार्ड हासिल किया सबसे बड़ी बात है, अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट किया तो मज़ा आया माशाल्लाह, मज़ा आया। और इंशाल्लाह ताला आगे आप बहुत सारे ब्लॉग देखेंगे। ज़हीर भाई एक शानदार हमारे IT मैनेजर के अलावा बहुत अच्छे सिंगर भी, तो बहुत सारे गाने आपको सुनने को मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। सर खुर्रम भाई, खुर्रम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे खुर्रम भाई आप? बेहतरीन। ये खुर्रम भाई होते हैं हमारे, ये भी एक बहुत अच्छे बड़े हुए हैं। क्या है सिंगर? अच्छा, इनको भी नहीं पता कि मैं सिंगर हूँ। पूछ रहा हूँ इनको भी नहीं पता, बट पता नहीं कौन सा गाना सुना है वैसे। पत्नी को सुन लो, अगर शायद गाली वाली दी होगी आपने। नहीं, गाली नहीं देते ये भाई, पागल हो क्या? क्या बात है? तो देखते हैं आपको सुनते गानों को। शाहरुख को सलाम। ओ, शाहरुख को बाय गई है। मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ, आप मुझे बाय गए। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अल्लाह हाफिज़। तो देखते हैं आपको सुनते गानों को। शाहरुख का सलाम पहुँचो और सब हमारे साथ मौजूद है अलविना। अलविना क्या हाल है? मैं पहले जैसा हूँ स्मार्ट हैंडसम, और मेरे हमारे इस वक्त कैमरे के पीछे खड़े हैं अरमान, एज यूजल वो तो स्मार्ट है ही। तो आज हम थोड़ा खतरनाक सा मैजिक करने वाले हैं अलविना के साथ। ठीक है अलविना, तो स्टार्ट करते हैं। अलविना, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक पेन से इसमें साइन कर दें, यहाँ पर बीच में कुछ भी साइन कर दें, कुछ भी बड़ा हुआ। ओ चलिए, इतना ही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है कि हमारे लिए ये चलिए। ठीक है अलविना, ये अलविना का साइन है। ठीक है, और इस पेपर पर इसके अलावा कुछ भी नहीं। अलविना अब करना है क्या है? आपने इसको ऐसे पकड़ना है और क्या होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा घबराने की ज़रूरत नहीं, ये पकड़ लें ऐसे। ठीक है, कहाँ रख दिया मैंने एक तो पेपर ना। ठीक है, ठीक है अलविना, हमने करना क्या है, वॉच इस पेन को, इस हिसाब ने अभी साइन करा था थोड़ी देर पहले, इसको हमने रखा ऐसे और इसको कर दिया हमने ऐसे। इसको ऊपर से पकड़ लें एक हाथ से, दोनों हाथों से कस के ऊपर से, बिल्कुल ऊपर से। वॉच, मेरे दोनों हाथ खाली हैं। ठीक है, वन, थोड़ा सा आगे करें इसको। ठीक है, हाँ इसको थोड़ा सा आगे, बस ओके। वॉच रेडी। अच्छा, अगर मैं इस पर हाथ मारूंगा तो क्या होगा? गिर जाएगा पेन। और क्या हो सकता है जब पेन पे आप ज़ोर से हाथ मारोगे यूँ करके तो क्या होगा? हाँ, यूँ करके तो क्या होगा? पेन आर पार होगा हाथ के। हाँ जी, आर यू रेडी? वन टू, वॉच 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 अगेन, वॉच 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 वॉच। कैसा लगा आपको? थैंक यू सो मच अलविना के लिए। और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।